Dear students, now we will solve the homework. Question is, tick the correct one. Tick the correct one means जो सही है, correct है, उस पर हम tick लगाएंगे. Question is, I can. Question is started with, I can means मैं कर सकता हूँ. मैं कौन है? मैं जो है वो आप हैं. अगर आप कर सकते हैं means I can. Question number वन, I can button my shirt means मैं कर सकता हूँ. क्या कर सकता हूँ? अपने शर्ट में बटन लगा सकता हूँ. मैं अपने शर्ट में को बटन कर सकता हूँ. तो क्वेश्चन इज यस और नो. आप सोचिए, यू थिंक ओवर दिस कि क्या आप खुद से अपना शर्ट का बटन लगा सकते हैं? यस और नो? आई थिंक आंसर इज यस. आप अपना बटन खुद से लगा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर टू, आई कैन पैक माई बैग. आई कैन, मैं कर सकता हूँ. पैक माई बैग, मैं अपने बैग को पैक कर सकता हूँ. थिंक ओवर दिस. आप सोचिए कि आप अपना बैग खुद से पैक कर सकते हैं? ना, जो स्कूल बैग है, दैट यू कैन पैक इट. श्योर, आप कर सकते हैं. तो इट मीन्स क्वेश्चन यस और नो, दैट इज यस. क्वेश्चन नंबर थ्री, आई कैन टाई माई शू लेसेस. आई कैन मीन्स मैं कर सकता हूँ. टाई मीन्स बांध सकता हूँ. क्या बांध सकता हूँ? माई शू लेसेस मीन्स जूता का फीता. मेरे जूते का फीता मैं बांध सकता हूँ. यू थिंक ओवर दिस. अगर आपको लगता है कि मैं अपने जूते का फीता बांध सकता हूँ, तो आंसर इज यस. अगर आपको लगता है यू कैन नॉट टाई योर शू लेसेस, देन आंसर इज नो. आप खुद से ये जवाब सोचें और ये आंसर लिखें. मैं इसे छोड़ रहा हूँ बिकॉज कुछ बच्चे हो सकता है उनको ऐसा लगता होगा कि आई कैन नॉट टाई माई शू लेस, तो वो आंसर नो होगा. अगर आपको लगता है यू कैन टाई योर शू लेस, तो आंसर इज यस. क्वेश्चन नंबर फोर, आई कैन राइड अ बाइसिकल मीन्स मैं कर सकता हूँ. क्या कर सकता हूँ? राइड मीन्स चला सकता हूँ. क्या चला सकता हूँ? एक बाइसिकल. मैं बाइसिकल चला सकता हूँ. अगर आपको लगता है इफ़ यू नो दस थिंग, अगर आप राइड करते हैं बाइसिकल, तो आंसर इज यस. अगर आप बाइसिकल नहीं चलाना जानते हैं, तो आंसर इज नो. तो आप अपने मुताबिक इस आंसर को फील करेंगे. आंसर विल बी डिफरेंट फॉर अदर्स. एक दूसरे के लिए आंसर अलग हो सकता है. ये ज़रूरी नहीं है कि एवरीबडी नोज. आप सारे बच्चों में से सभी बाइसिकल चलाना जानते हो. अगर आप जानते हैं, तो आंसर इज यस. अगर आप नहीं चलाना जानते हैं, तो आंसर इज नो. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट यस और नो, यानी यस, हाँ या नहीं, आपको आंसर लिखना है. क्वेश्चन नंबर वन, माई बेबी ब्रदर ड्राइव्स द कार. मेरा जो छोटा भाई है वो ड्राइव करता है मीन्स चलाता है, गाड़ी चलाता है, कार चलाता है. मेरा छोटा भाई कार चलाता है. तो आप तो खुद ही छोटे हैं, यू आर इन क्लास टू. अगर आप क्लास टू हैं और आपसे भी छोटा बच्चा है, छोटा भाई है, ही कैन नॉट ड्राइव द कार, वो कार नहीं चला सकता है. सो आंसर इज नो. आई के क्वेश्चन नंबर टू, आई कैन रन अ रेस मीन्स आई कैन मीन्स आई कैन रन मीन्स मैं दौड़ सकता हूँ, एक रेस दौड़ सकता हूँ. तो आप रेस दौड़ सकते हैं? थिंक ओवर दिस. आप दौड़ सकते हैं? यस, यू कैन रन अ रेस. आंसर इज यस. क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट यस और नो, माई पेरेंट्स आर एडल्ट्स. पेरेंट्स मीन्स पेरेंट्स मीन्स योर मदर एंड फादर. माई पेरेंट्स आर एडल्ट्स. आपके जो मदर एंड फादर हैं, दे आर वयस्क हैं, बड़े हैं. तो आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? यस और नो? वेरी गुड, आंसर इज यस. क्वेश्चन नंबर फोर, माई ग्रैंड फादर गोज टू स्कूल. माई ग्रैंड फादर गोज टू स्कूल. मेरे दादाजी, ग्रैंड फादर मीन्स मेरे दादाजी, स्कूल जाते हैं. व्हाट इज द आंसर? क्या आपके दादाजी स्कूल जाते हैं? योर ग्रैंड फादर गोज टू स्कूल.
नो, वेरी गुड. तो नाउ यू कैन आंसर दिस वन. यू चेक इट व्हाट यू हैव डन इन योर होमवर्क कॉपी. थैंक्स फॉर लिसनिंग.